हेलो दोस्तों, एम टेक वायरल और फ्लडेड ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। एंड मैं हूं पवन, और काफ़ी डिमांड थी आप लोगों की हिंदी में वीडियो बनाने के लिए, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली हिंदी ऑडियंस के लिए है, जो कि जो भी इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं या कहीं से भी हैं, जो भी हिंदी में वीडियो चाहते थे उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा एक एप्लीकेशन की। एक एप्लीकेशन हम बना के देखेंगे, तो हम जो चीज़ें देखेंगे वो ये है कि यूआई कैसे डिज़ाइन करना है, और वो एप्लीकेशन किस तरीके से आप मतलब उसमें नेटवर्क कॉल्स कर सकते हो, कैसे डेटा लाओगे, कैसे डिस्प्ले करोगे, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो जो एप्लीकेशन हम बनाने वाले हैं वो है एक पोकेमोन ऐप। ओके, और वही हम देखेंगे किस तरीके से पूरा डिज़ाइन करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। और इसके अलावा अगर आप बिगनर हैं जिन्होंने कभी स्टार्ट नहीं किया फ्लटर प्रोजेक्ट, तो हम हैं आपको बताने के लिए कि भाई कैसे करना है। और अगर आप कोई इंटरमीडिएट या एडवांस बंदे भी हैं, बट अगर देखना चाहते हो देख लीजिएगा, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके का यूआई वगैरह होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और ये देखते हैं कि एक सेकेंड रुके, मैं अपना फ़ोन यहाँ पे खोल लेता हूँ। ठीक है, तो ये फ़ोन है मेरा और इसमें मैं जाता हूँ इस एप्लीकेशन में, और इस तरीके का कुछ यूआई आप देखेंगे कि हम बनाएंगे। ओके, जिसमें आप देख सकते हो पोके ऐप है, इसमें काफ़ी पोकेमोन सारे हैं, और यहाँ बल्बासोर है, ईवीसोर, ऐसे पोकेमोन्स हैं, और ये सारे पोकेमोन्स आ रहे हैं एपीआई के थ्रू। ओके, तो ये नेटवर्क कॉल करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है ये कोई हार्ड कोडेड नहीं है। और मैं अगर बल्बासोर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे एक एनिमेशन सी हुई बीच में। ठीक है, ये एनिमेशन अचीव करेंगे हम, जिसको हीरो एनिमेशन बोलते हैं, और उसके अलावा उसकी डिटेल्स हैं यहाँ पे काफ़ी। तो और ये यूआई पता नहीं कैसा लग रहा है, लेकिन जैसा भी लग रहा है वो बनाएंगे हम। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है इस ऐप का जो हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है flutter.io पे, और यहाँ पे आप जाओगे जब गेट स्टार्टेड पे, तो यहाँ से इंस्टॉलेशन का आपको गाइड मिल जाएगा, जहाँ से आपका अगर आपका मैक ओएस है तो यहाँ से कर लीजिएगा, अगर विंडोज़ है तो भी और लिनक्स है तो भी, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो फिर आप देख सकते हो कि क्या ऑप्शंस हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। यूट्यूब है, फेसबुक है, तो फेसबुक पे एक ग्रुप है अपना लेट फ्लटर नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, तो वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या जो भी आपको अगर ट्विटर पे पूछना है, फेसबुक पे पूछना, जहाँ भी पूछना है वहाँ पे आप पूछ सकते हो। तो अब स्टार्ट करेंगे। तो इसके अलावा एंड्रॉयड स्टूडियो में अगर आप जाओगे यहाँ पे प्रेफरेंसेस में और या प्लगइन्स में, तो यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे ना फ्लटर, तो ये आपको एक प्लगइन मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना अगर एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर रहे हो तो। और अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप जाओगे, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो इस अगर ये विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो तो एक्सटेंशन में जाना है आपको, और वहाँ पर ना आपको करना है सर्च डार्ट कोड। ओके, तो डार्ट जैसे ही आप सर्च करोगे, ये डार्ट पहला आ जाएगा, डार्ट कोड भी नहीं है, सिर्फ डार्ट है, और इसको इंस्टॉल कर लेना है, बस दैट्स इट। उसके बाद दोनों में आप काम कर सकती हो। अब एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको एक चीज़ मिल जाएगी, स्टार्ट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, तो इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे फ्लटर एप्लीकेशन एक ऑप्शन है, एक फ्लटर मॉड्यूल है जो कि नया आया है। ठीक है, जो कि एक्चुअली एंड्रॉयड एप्लीकेशन में फ्लटर कंपोनेंट अगर ऐड करना है। ठीक है, और फ्लटर प्लगइन है, अगर आप ऐसा कुछ बना रहे हो, एक प्लगइन जो कि एंड्रॉयड और आईओएस में बना रहे हो और उसको एक्सपोज करना है फ्लटर के लिए, तो वो एक अच्छा है ऑप्शन। और एक फ्लटर पैकेज है कि अगर कोई विजिट बना रहे हो आप कस्टम और उसको आप पब्लिश करना चाहते हो, तो वो आप इससे कर सकते हो, बट फिलहाल हम फ्लटर एप्लीकेशन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो इस पर नेक्स्ट दबाएंगे, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो मैं नाम दे देता हूँ लेट्स से पोकी ऐप। ओके, और पोकी ऐप मतलब पोकेमोन ऐप है। ठीक है, आप इसको कुछ और मतलब समझना चाहते हो तो कुछ और समझ लो, आपकी मर्जी है टोटली। फिर प्रोजेक्ट लोकेशन है, एसडीके पाथ है और डिस्क्रिप्शन है, तो नेक्स्ट दबा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कंपनी डोमेन है, मैंने mtechviral.com डाला है, आप जो डालना चाहे डाल सकते हैं। इसके बाद दो ऑप्शन आते हैं नीचे, एक तो बोलता है कि कॉटलिन का सपोर्ट चाहिए अगर, तो इसको टिक कर दो, तो अगर नहीं टिक करते हो तो मान लो जावा रहेगा। ठीक है, और अगर नीचे है स्विफ्ट का सपोर्ट अगर चाहिए तो टिक कर दो, नहीं करते हो तो ऑब्जेक्टिव सी रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव सी तो मुझे पता नहीं किसी को आती है कि नहीं, तो यहाँ पे स्विफ्ट टिक कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा गंभीर मामला हो जाता है, तो उसको हटा देते हैं। और यहाँ पे जो कॉटलिन है वो अगर आपको आती है तो कॉटलिन सपोर्ट ले लो, नहीं तो जावा तो स्कूल कॉलेज में पढ़ा ही होगा कहीं पर, अगर थोड़ा बहुत भी समझ आया हो तो इसको छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद फिनिश कर देंगे इसको, और ये क्रिएट करने लगेगा एक फ्लटर प्रोजेक्ट हमारे लिए। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा ये, तो पेशेंस रखना है थोड़ा सा, बिकॉज़ यहाँ पे
जो भी हो रहा है रियल टाइम पे हो रहा है। मैं इस पे कोई ऐसा नहीं है कि इसको कट पेस्ट करने वाला हूँ, कुछ नहीं करूँगा, जैसे बन रहा है वैसे बनने दूंगा और उसके बाद सीधा आपको दिखा दूंगा कैसे भाई क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ माथा पच्ची नहीं करनी इधर, और बिकॉज़ हिंदी में है तो अपना मतलब देसी वाला रहना चाहिए रवैया, आराम से बनाएंगे, आराम से मौज लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये तो एक मिनट इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, यहाँ आपको काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, तो पहले उन चीज़ों को देख लेते हैं। ओके एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक मैन मेन डॉट डार्ट करके जो फाइल है ये खुली हुई आई है बाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसमें बहुत सारा कोड लिखा हुआ है जो कि शायद पता नहीं समझ आएगा नहीं आएगा, तो वो बात की बात है, वो देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो पैकेज है इसमें आपको देखो क्या क्या मिलता है। एक मिलता है आपको एंड्रॉयड का फोल्डर, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको, अगर मैं कर पाया तो पता नहीं, ठीक है जूम रहने देते हैं फिलहाल, ट्राई करके देख लेते हैं अगर फॉन्ट बढ़ाने से कुछ हो जाता है तो। वन सेकेंड, एक मिनट रुको, ठीक है एक कोड का हो रहा है खाली, फॉन्ट बड़ा तो फॉन्ट इतना भी बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे पैकेज में ना तो एक एंड्रॉयड का फोल्डर मिलेगा आपको जिसके अंदर एंड्रॉयड का कोड लिखा जाता है सारा, एक आईओएस का फोल्डर है जिसके अंदर आईओएस का कोड लिखा जाता है सीधी भाषा में, एक लिप फोल्डर है जिसके अंदर हम सारा अपना काम करेंगे फ्लटर वाला, एक टेस्ट फोल्डर है जिसमें टेस्टिंग का काम किया जाता है, उसको भी आप छोड़ सकते हो फिलहाल। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट है वो ये pubspec.yaml फाइल, इसके अंदर देखोगे तो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन होगी, नाम होगा ऐप का, और यहाँ पे ना डिपेंडेंसी वगैरह ऐड करते हैं कि अगर मान लो कि थर्ड पार्टी किसी बंदे ने कोई पैकेज बनाया है वो ऐड करना है तो यहाँ ऐड करके उसको यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरीके से मामला सेट है। तो इसके बाद यहाँ देखोगे तो काफ़ी रायता वाला कोड लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है अगर आप बिगनर हो तो। यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे और यहाँ से ओपन करेंगे आईओएस का सिमुलेटर, अगर एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड का कर लो, और अगर फ़ोन है तो उससे चला लो, मैकबुक है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कोई इतना मतलब परेशानी वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। अब ये मामला सेट है, अब इस ऐप को चला के देखते हैं इस iPhone 10 में कि ऐप दिखता कैसा है आखिर। तो इसको हम कर देंगे डीबग के थ्रू रन, अगर रन पे डायरेक्ट क्लिक कर दोगे तो डीबग वाली फंक्शनैलिटी काम नहीं करेगी, तो वो आपको देख के रखना है। तो यहाँ से मामला हो गया है सेट बिल्कुल, और ये ऐप बिल्ड होना स्टार्ट हो गई है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मुश्किल से पहला पहली बार जब बिल्ड करोगे तो थोड़ा सा लगभग 1-1.5 मिनट तो ले लेगा ये, उससे तो कम मेरे ख्याल में नहीं लेगा, 1-1.5 मिनट ले लेता है, क्योंकि इसके पीछे अगर सिस्टम कैसा है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके बाद काफ़ी फास्ट मामला होने वाला है, बिकॉज़ वो जो एंड्रॉयड वाली परेशानी है वो नहीं होने वाली, और भी बहुत परेशानियाँ हैं यार ज़िंदगी में, वो सब नहीं होगा यहाँ पे, थोड़ा सा ज़िंदगी सॉर्टेड लगेगी, थोड़ा मज़ा आएगा कोडिंग करने में भी, और ऐसा लगेगा कि चलो भाई थोड़ा कुछ अच्छी चीज़ हो रही है। यहाँ पे देख सकते हो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ऐप आती है वो है, और 1 2 3 4 फलाना ठिकाना जो दबाएंगे वो चलता रहेगा, प्लस होने पे नंबर बढ़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होता इस ऐप में। तो ज़्यादा जब कुछ होता ही नहीं है तो इसका करना क्या है, तो हम जाएंगे प्रेजेंटर मोड में, ठीक है। और ये जो पूरा कोड है, एक सेकेंड रुक जाओ आप, इस पूरे कोड को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब डिलीट कर दिया, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैं ना कुछ अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरीके की स्क्रीन आती है अपने पास। अब हम ना दोबारा से पूरा कोड लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे पूरा कोड, मैं दोबारा प्रेजेंटर मोड खोल रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है यहाँ इम्पोर्ट, ठीक है। इम्पोर्ट करने का मतलब है हमें जो ज़रूरी लाइब्रेरी है या पैकेज है वो इम्पोर्ट कर लेना है यहाँ। तो हम मटेरियल ले लेंगे क्योंकि हम मटेरियल मैप बनाते हैं, तो ये हमें बहुत सारे कंपोनेंट दे देता है, ठीक है। मटेरियल ऐप बना रहे हैं तो उस तरीके से ये समझ लो, मतलब समझने के लिए ऐसे बता रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी स्वेच्छा है। अब ये हट गया है क्योंकि मैंने ऑटो सेव लगा रखा है, अगर कोई चीज़ यूज़ नहीं करते तो वो हट जाती है। तो यहाँ पे दोबारा मटेरियल इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके नीचे हम एक मेथड बनाएंगे वॉइड मेन, ठीक है। ये वॉइड मेन मेथड करता क्या है, वॉइड मेन एक एंट्री गेट है, ठीक है। यहीं से आपकी ऐप स्टार्ट होगी, जैसे ही आपके ऐप जब आप बटन दबाते हो ना ऐप पे, ऐप मतलब आप ऐप पे क्लिक करते हो तो ये वॉइड मेन मेथड पे आ जाता है, ठीक है। और ये मेन डॉट डार्ट फाइल है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेन डॉट डार्ट फाइल है, तो इस मेन डॉट डार्ट फाइल के अंदर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये आप देख रहे हो ना, ये फैट एरो बोलते हैं इसको, जो ये एरो जैसा दिख रहा है डबल वाला, इसको फैट एरो बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट अलग से नहीं लिखनी है, ठीक है। इसके अंदर आपको लिखना है रन ऐप, जो कि एक फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर आप अपना विजिट, ऐप विजिट बताओगे, ठीक है।
तो इसके अंदर मैं विजेट जो बना रहा हूँ उसको बोल रहा हूँ मैं मटेरियल ऐप, ठीक है। तो ये मटेरियल ऐप बाय डिफ़ॉल्ट या विजेट ऐप आपको देना होगा, जो कि आपकी बोलेगा कि आप बता दो भाई कि पहली स्क्रीन कौन सी होगी और कितनी स्क्रीन्स होंगी अगर आपको बताना है, थीम क्या रखना है बता दो, कलर वलर क्या रखने हैं, तो वो सब बता सकते हो इधर। तो इधर आप देखोगे तो टाइटल है एक चीज़, टाइटल हम दे देते हैं कुछ, ठीक है, टाइटल दे देते हैं पोकीमोन ऐप या पोकी ऐप, ठीक है, जो आपको टाइटल देने की इच्छा वो दे दो। कलर दे सकते हो, कलर हम नहीं दे रहे हैं अभी फ़िलहाल, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कलर इसको लेना हो ले ले, या थीम दे सकते हो तो थीम में कलर दे देंगे। तो थीम डेटा लेंगे यहाँ से, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास आएगा कलर स्वैच या प्राइमरी स्वैच आएगा। प्राइमरी स्वैच को हम बोल देंगे कि भाई कलर्स में से मुझे ये वाला कलर दे दो, टील वाला, ये अच्छा लग रहा है तो ये कलर ले लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये एक चीज़ और मांगेगा हमसे, होम, ठीक है, होम मतलब जो पहली स्क्रीन आपकी खुलेगी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इसको कि भाई इसका नाम हम रख रहे हैं होम पेज, ठीक है। अब ये होम पेज है ना, क्लास आपको बनानी पड़ेगी। अब दो तरीके के विजेट होते हैं फ्लटर में, एक स्टेटलेस विजेट होता है और एक स्टेटफुल विजेट होता है। इसी के अंदर बहुत तरीके के विजेट होते हैं जो इसी के, मतलब आप बोल सकते हो कि इसी से इनहेरिट होके बनाए जाते हैं, ठीक है। स्टेटलेस विजेट कोई भी विजेट वो होगा जो कि फिक्स रहेगा, ठीक है, जिसको चेंज नहीं कर सकते। मान लो एक लोगो है, ठीक है, लोगो तो कभी चेंज नहीं होगा ना, अगर होता है तो फिर यार वो दिक्कत आपकी है। पर लोगो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक ऐप का लोगो कभी चेंज नहीं होता, फेसबुक व्हाट्सएप का लोगो कभी चेंज होते हुए देखा है, नहीं देखा है, तो वो स्टेटलेस विजेट है। बट मान लो यहाँ पे एक टेक्स्ट है जो कि बार बार चेंज होता है, मैसेज है उसमें एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट है उसके अंदर एक मैसेज है, वो बार बार अपडेट हो रहा है, तो वो स्टेटफुल विजेट होगा, ठीक है। तो कोई भी टेक्स्ट जो कि बार बार अपडेट हो सकता है वो स्टेटफुल विजेट है, और कोई भी चीज़ ऐसी जो कि कभी अपडेट नहीं होगी वो स्टेटलेस विजेट है, इस तरीके समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे STLESS और ये हमें एक टेम्पलेट दे देगा स्टेटलेस विजिट का, और इसको हम बोल देंगे होम पेज है हमारा, ठीक है, और ये काम ख़त्म। अच्छा, होम पेज कर देते हैं इसको। अब इसके अंदर एक बिल्ड मेथड है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है, ठीक है। ये बिल्ड मेथड हमें ओवरराइड करना पड़ता है बिकॉज हम ये स्टेटलेस विजिट को एक्सटेंड कर रहे हैं। जब भी हम जो भी मेथड ओवरराइड करते हैं, इसका मतलब ये है कि बेसिकली हम अपना इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इस मेथड का, ठीक है। तो हम बिल्ड मेथड का अपना एक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, हम बोल रहे हैं कि ठीक है आपने मेथड दे दिया है, हम इसको अपने तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है, ये अभी तक की कहानी है। अब अगर मैं इसको ना बस एक बार रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि क्या मिलता है मुझे। तो देखोगे बहुत सारी एरर वेरर आ गई है, मतलब पता नहीं क्या क्या दिक्कत हो गई है। अब मैं इसको एक बार हॉट रीस्टार्ट भी कर देता हूँ ताकि आपको खुशी मिल जाए थोड़ी सी। तो हॉट रीस्टार्ट करके देखते हैं कि कैसा रहता है हिसाब, और हॉट रीस्टार्ट हमने कर दिया है लेकिन कुछ हुआ नहीं है। हाँ, तो अब देखोगे तो ये ब्लैंक स्क्रीन आएगी, ठीक है। तो ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली कुछ खास कुछ हुआ नहीं, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने कुछ डाला नहीं है। तो हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, एक विजेट यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है स्केफोल्ड विजेट, ठीक है। स्केफोल्ड विजेट क्या होता है, किस तरह का स्ट्रक्चर देता है आपको, इस स्ट्रक्चर ये मटेरियल स्ट्रक्चर देता है। जैसे कि अगर आपने मटेरियल ऐप कोई देखी होगी तो उसके अंदर एक ऐप बार होता है, एक नीचे फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है, और बीच में कुछ स्क्रीन होती है, एक ड्रॉअर होता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो हम ये स्केफोल्ड यूज़ करेंगे, इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है ऐप बार, तो इसको बोलेंगे कि भाई हमें एक ऐप बार दे दो, ठीक है। ऐप बार हो गया, ये ऐप बार एक क्लास है अगेन। तो वो अब देखोगे अगर इसके अंदर जाना है तो कमांड भी दबाओ या कंट्रोल भी, देखोगे कि ये एक और स्टेटफुल विजेट है जो कि जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम वो यूज़ नहीं करने वाले हैं फिलहाल, ऐसे ही इसको एक टाइटल दे देंगे। तो टाइटल के अंदर टेक्स्ट पास करेंगे और यहाँ पे हम बोल देंगे कि ये है हमारी पोकी ऐप का होम पेज। सो पोकी ऐप लिख देते हैं बस। तो देखोगे पोकी ऐप लिखा आ गया, ठीक है। अभी ऊपर देखोगे ना एक डीबग का एक बैनर बना आ रहा है, रिबन टाइप का। तो अगर ये हटाना है आपको तो आप जाओगे यहाँ मटेरियल ऐप में और यहाँ बोल दोगे कि जो डीबग शो चेक्ड बैनर एक फ्लैग है, चेक्ड मोड बैनर, इसको फॉल्स कर दीजिए। तो जैसे ही फॉल्स कर देंगे ना आप, तो देखिएगा तो गया भाई बैनर, नहीं गया तो एक बार हॉट रिस्टार्ट मार दीजिए, बैनर चला जाएगा। तो हॉट रिस्टार्ट मार दिए और बैनर गया, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब बहुत ही कूल मामला है। इसके अलावा इसमें आप एक बॉडी दे सकते हो, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन दे सकते हो। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन हम दे देते हैं, फर्जी फ्लोटिंग एक्शन बटन है, इसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ऑन प्रेस्ड इसका जो है, इसमें एक प्रॉपर्टी ऑन प्रेस्ड, यानी इसको दबाओगे तो क्या होगा। तो इसको हमने ब्लैंक टाइप का छोड़ दिया है, ठीक है, ये मतलब मामला सेट है क्योंकि अभी हम कुछ नहीं चाहते, कुछ ना हो भाई। और इसके अंदर एक चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर हम बोलेंगे कि क्या डालना है इसके अंदर। तो हम बोलेंगे इसको एक आइकन दिखा दो, ठीक है, वो आइकन कौन सा होगा, लेट्स से कोई रिफ्रेश आइकन होगा तो दिखा देते हैं।
बस मामला सेट है। अब देखोगे तो एक फ्लोटिंग एक्शन बटन आ गया एनिमेशन के साथ, ठीक है, और बहुत कूल है। अभी इसको दबाओगे तो कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मामला सेट है ये भी, ठीक है। अब ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको कैन कर लीजिए, कोई कलर अलग कर लीजिए, वो टोटली आपकी इच्छा है, अपनी श्रद्धा है, श्रद्धा के हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं। तो कैन कर लिया है, एंड एक सेकंड मुझे ये देखने दो कि ये हॉट रीलोड काम क्यों नहीं कर रहा है, हॉट रीस्टार्ट यहाँ से दबाने पे चलता है सही, ठीक है। तो ये मतलब जो भी है यही है, ठीक है, कमांड शिफ्ट आर से शायद चलता हो, नहीं, ठीक है, तो जो भी है कमांड शिफ्ट इससे चल रहा है, नहीं इससे भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो भाई थोड़ा सा तो मतलब परेशानी हो सकती है, बाकी तो सब ठीक है। तो हम वापस सेम कलर पे चले जाते हैं क्योंकि वो इससे ठीक ही लग रहा था वही। तो अगर मैं ट्राई करूँ, कुछ कुछ कीज दबा के देख रहा हूँ मैं, वन सेकेंड, F5, तो यह कीज तो मेरी काम नहीं कर रही है, पता नहीं इसमें हॉट रीलोड का क्या हिसाब है, देख लेते हैं एक बार। अच्छा, कंट्रोल और ऑल्ट आर से ये रन होता है, और हॉट रीस्टार्ट के लिए कमांड शिफ्ट स्लैश, ओके, तो कमांड शिफ्ट स्लैश दबाना होगा तो ये हॉट रीस्टार्ट कर देगा, पता नहीं ऐसा क्यों है ये ऑप्शन, मतलब जो भी है। तो यहाँ पे आप आइकन रिफ्रेश लगा दिया, फ्लोटिंग एक्शन बटन है, ड्रॉअर लगाना है तो एक ड्रॉअर की प्रॉपर्टी है, और वहाँ एक ड्रॉअर क्लास दे दो, सीधी सी बात है, वर्सी ड्रॉअर लगा देगा, देखोगे तो ड्रॉअर आ गया, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ होती है बॉडी, उस बॉडी के अंदर हम कुछ कुछ दिखाएंगे, ठीक है, क्या दिखाएंगे, हम बॉडी के अंदर दिखाएंगे एक लिस्ट जिसके अंदर हमें दिखाना है पोकेमोन, ठीक है। तो अभी फिलहाल के अंदर इसके अंदर हम बोलते हैं कि सेंटर विजिट लिया हमने और बोला कि सेंटर में कुछ दिखा दो, तो सेंटर विजिट के अंदर भी एक चाइल्ड होगा उसका प्रॉपर्टी, तो उसके अंदर हम टेक्स्ट बोल देंगे कि हाय पोकेमोन ऐप, ऐसा कुछ कुछ लिख देते हैं, और देखेंगे तो सेंटर में देख सकते हो हाय पोकेमोन ऐप आ गई। तो ये बहुत सिंपल सा मतलब एक लॉजिक था, इसमें कुछ ऐसा कुछ ख़तरनाक चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, अगर आप मेरी अगर आपको स्क्रीन याद हो तो मैं आपको एक बार फिर दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं दिखा पाता हूँ तो एक सेकेंड रुक जाओ आप। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो थोड़ा सा यार टाइम लगेगा चीज़ों में, हल्का सा, पता नहीं है दोबारा इंस्टॉल क्यों कर रहा है इसको, बट बिकॉज मुझे वो दिखाना है तो थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा आपको मुझे। तो बेसिकली वहाँ पे आप देखोगे तो एक ग्रिड है जिसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि हमें डिस्प्ले करने हैं, ठीक है, तो वो देख लेते हैं कैसे हैं। तो अब आ गया ऑलमोस्ट, और यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ पे ऐप खोली मैंने, और ये तो ट्विटर खुल गया, स्टेट्स ऐप, तो ये देखोगे तो ये पोके ऐप, सॉरी, तो यहाँ पे बल्बास और ये सब जो दिख रहे हैं ना, ये कार्ड है, ठीक है, और ये कार्ड एक ग्रिड फॉर्म में है, तो हमें ये चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई कहाँ गए, सेंटर की जगह यहाँ पे हमें सेंटर मत दो, हमें दे दो एक ग्रिड व्यू बिल्डर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे है ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर जिसमें हम ग्रिड व्यू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या हमारे पास है ग्रिड व्यू डॉट कस्टम, हम ये यूज़ कर सकते हैं, एक्सटेंट यूज़ कर सकते हैं, और ग्रिड व्यू डॉट काउंट, तो जो आपकी इच्छा हो यूज़ कर लो। तो अभी हम काउंट यूज़ कर रहे हैं, और क्रॉस एक्सिस काउंट मतलब है कि इसमें कितने क्या बोलते हैं, इसमें कितने आपको कॉलम चाहिए, ठीक है, तो हमें दो कॉलम चाहिए क्योंकि हमने देखा कि भाई इसके अंदर दो में मामला सेट था हमारा, कि अगर मैं दोबारा वो स्क्रीन आपको दिखाऊं तो दो ही कुछ आते हैं, ठीक है, जैसे कि ये देखें तो दो आते हैं ना, तो ये दो हमने दे दिया। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है इसके अंदर, वो है चिल्ड्रन, ठीक है, अब इसके अंदर आपको चिल्ड्रन देने होंगे, ठीक है, तो चिल्ड्रन देने हैं अगर, तो अभी हम ब्लैंक छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए इसको, कि हमारे पास चिल्ड्रन क्योंकि है नहीं, ठीक है, तो चिल्ड्रन अब देने हैं इसके अंदर, मतलब क्या क्या दिखाना चाहते हो ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम दिखाना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन अभी हमारे पास कुछ है नहीं, तो बेसिकली हम क्या करना होगा, हमें जो ये डिस्प्ले करना है ना, वो बेसिकली क्या है, वो एक ऐसा विजिट है, विजिट कह रहा हूँ मैं, वैसा डेटा है जो कि बार बार चेंज हो सकता है ना, या रन टाइम पे हम उसे मंगाएंगे सर्वर से, ठीक है, तो हम एक एपीआई हिट करेंगे और वहाँ से वो डेटा मेरे पास आएगा, ठीक है, और वो डेटा मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो मैं क्या चाहता हूँ, जब मेरी ऐप लोड हो रही है फर्स्ट टाइम तभी वो डेटा मैं मंगाऊँ और दिखा दूँ, तो उसके लिए मुझे स्टेटलेस को चेंज करके स्टेटफुल बनाना होगा। तो यहाँ मैं बोलूँगा, यहाँ बल्ब दबाऊँगा तो यहाँ बोलेगा वो कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजिट, और मैं इस पर प्रेस कर दूंगा तो ये कन्वर्ट कर देगा, तो अभी आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा ज़्यादा,
तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एक बार हॉट रिस्टार्ट मार देता हूँ, ठीक है। तो आपको वो फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा, अभी फ़िलहाल तो नहीं दिखेगा, अभी आपको नॉर्मल दिखेगा, बट अब ये स्टेट क्लास में हम आ गए हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें एक मेथड मिल जाएगा इनिट स्टेट, ठीक है। इनिट स्टेट बेसिकली क्या करेगा, जब भी आपकी ऐप इनिशलाइज होगी तो ये मेथड कॉल हो जाएगा, और यहाँ पर आपको जो डेटा मंगाना है वो मंगा सकते हो, जो भी करना है वो कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम खोलेंगे अपना एक स्निपेट लैब, ये हमारी API है, इसको हम कर लेंगे कॉपी। यहाँ से हमें डेटा मंगाना है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा कि ये जो URL है मेरा, यहाँ से मेरा डेटा आएगा, ठीक है। तो ये डेटा यहाँ से आने वाला है। अब ये डेटा का URL मेरे पास आ गया, ठीक है। मैं जाता हूँ ब्राउज़र में, किसी भी कोई ब्राउज़र खोल लेते हैं, ये ब्राउज़र है, यहाँ पे वो URL डालूंगा। तो देखो डेटा ना कुछ इस तरीके से आएगा, इस फॉर्म में, ठीक है, जिसमें पोकेमोन की एक लिस्ट आ रही है, जिसके अंदर बहुत सारे पोकेमोन हैं और उनकी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, पूरा जो कोड है इसको उठा लेंगे ऐसी, तो मैं इसको एक मिनट रॉ बना लेता हूँ, इस पूरे कोड को ऐसे उठा लेते हैं, और ये एक वेबसाइट है JSON2.dart वाली, यहाँ पर आप जाके इसको पेस्ट कर दो, ठीक है, और इसको बोलो कि इसका जनरेट कर दो डार्ट। तो एक डार्ट क्लास आपके लिए ना जनरेट कर देगा इसमें, ठीक है, जिसको आप सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसमें कुछ दिक्कतें भी होंगी, वो दिक्कतें हम ठीक कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है। ये कॉपी कर लिया आपने, अब आप यहाँ पे प्रोजेक्ट में एक नया फोल्डर बनाओ। एक तो हमने इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो लेट्स डिलीट इट। तो आप ये लिब फोल्डर में जाओगे, एक नया मतलब डार्ट फाइल बनाओ, और इसका नाम रख दो पोकेमोन, या कुछ भी जो आपका मन करे, और यहाँ उस वाली पूरी क्लास को पेस्ट कर दो जो वहाँ बनाई है उसने, ठीक है। अब ये पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, अब हम ना ये जो ऑटो जनरेटेड नाम है ये अच्छा नाम नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो हम दबा देते हैं, मेरे ख्याल में होता है शिफ्ट F6 होता है शायद, हाँ ठीक है। तो इसके बाद इसको हम नाम देते हैं कुछ और, तो हम बोलते हैं पोके हब, ठीक है, एक पोके हब बनाना है हमें। तो पोके हब ने इसको रीनेम कर दिया, इसके अंदर हम सीधा डायरेक्ट अपना जेसन पार्सिंग कर लेंगे, ठीक है, इस क्लास का यूज़ करके, ठीक है। अब इस क्लास के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, पहला जो पोके हब है वो एक लिस्ट ले रहा है पोकेमोन की, उसका एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जो कि बोल रहा है कि हाँ ये पोकेमोन मेरे को पास कर दो। फिर इसमें एक फ्रॉम जेसन फाइल है कि वहाँ से जेसन लाएगा, उसको कैसे कन्वर्ट करेगा, ठीक है, और एक टू जेसन फाइल है कि अगर हमें कभी इनकोडिंग करनी होगी इसकी तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे जो वीडियोस होंगी उनमें देख लेंगे, अभी जो बताएंगे उसमें देख लेंगे। उसके बाद एक पोकेमोन क्लास है जिसके अंदर आईडी है, इस पोकेमोन में मतलब ये प्रॉपर्टीज हैं उसकी, ठीक है, उसकी एक आईडी हो सकती है, नंबर हो सकता है, नेम, इमेज, टाइप, वेट, हाइट, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं हो रहा है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि लिस्ट ऑफ एवोल्यूशन, मतलब उसके नेक्स्ट एवोल्यूशन क्या होंगे, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विकसित होता है तो क्या बनता है, ठीक है, अगर आपने पोकेमोन देखा हो तो विकसित वाला उसका नंबर है और उसका नेम है कि भाई विकसित हो के ये बनेगा बंदा, ठीक है। इसके मतलब टाइप हैं, जैसे कि पिकाचू का राइचू का पिकाचू है, ऐसे ऐसे है ना, और पता नहीं, तो याद भी नहीं है इतने सारे, बहुत सारे मतलब विकास होता है रहता था इनका, पता नहीं क्या होता था। तो इस तरीके से हमने पोकेमोन डॉट डार्ट फाइल बना ली। अब हमें एक लाइब्रेरी चाहिए होगी जिससे हम HTTP रिक्वेस्ट करेंगे, तो हम यहाँ इम्पोर्ट करेंगे, बोलेंगे कि यार एक HTTP का पैकेज दे दो, HTTP.dart, और इसको एज हम HTTP ले लेंगे, ठीक है। तो अभी HTTP नाम से अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें सारा काम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आएंगे इनिट स्टेट में, और हम इसको बोलेंगे कि भाई हमें फैच करना है डेटा, ठीक है, ये मेथड कॉल करना है। अब हम एक मेथड बनाएंगे फैच डेटा नाम से, जो कि एक असिंक्रोनस मेथड होगा। अगर असिंक्रोनस के बारे में जानना है तो आप मेरी वीडियो देख लेना, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई है मैंने। असिंक्रोनस मतलब क्या होता है, बेसिकली हम बोलते हैं कि यूज़र को ना वेट मत कराओ, ठीक है, जब तक डेटा आ रहा है तब तक कुछ और काम करते रहो, जब डेटा आ जाएगा तो डेटा दिखा दो, ठीक है। तो ये इसका मेन फंडा है। और हम बोलेंगे अब क्या कि हमें एक रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, कहाँ से चाहिए, जो HTTP क्लास हमने बनाई है, HTTP जो कि चला गया है मेरे ख्याल में, फिर से इम्पोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हम उसको बोल देते हैं कि भाई ये जो HTTP क्लास है इसका यूज़ करके डॉट गेट, एक इसको ना गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये थोड़ा समझना होगा, और इसके अंदर URL पास कर देंगे, ठीक है। जैसे URL पास करेंगे एक हमें रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, और वो रिस्पॉन्स जो भी हमें देगा ना उसको हम प्रिंट करा लेंगे यहाँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम ना इस ऐप को दोबारा से एक बार हॉट रिस्टार्ट करते हैं इसका, ठीक है, और फिर हम देख लेंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। एक मिनट रुक जाओ, हाँ, तो हॉट रिस्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हॉट रिस्टार्ट किया,
टर्मिनल यहाँ पे लगाया लॉकेट या डीबग लगा लेते हैं कुछ तो। तो यहाँ देखोगे आया इंस्टेंस ऑफ फ्यूचर रिस्पॉन्स। फ्यूचर मतलब क्या है कि ये डेटा अभी तक लोड नहीं कर पाया, लोड किया या उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो असिंक्रोनस तरीके से किया गया है, तो इसका मतलब क्या है, आपको बोलना होगा कि भैया इसका वेट कर सकते हैं हम। तो अवेट लगा दोगे तो इसका क्या मतलब होगा कि हमने इसको बोल दिया है कि जब तक आप इसका वेट करो और इसके अलावा अगर कुछ काम करना है तो आप कर लो। जैसे मान लो फेच डेटा के नीचे एक और प्रिंट स्टेटमेंट होती जिसमें लिखा होता कि दूसरा काम, ठीक है, दूसरा काम मैं लिख देता हूँ यहाँ। तो फैच डेटा तो अपना काम कर रहा था, ठीक है। अगर मैं अब इसको दोबारा से हॉट रिस्टार्ट करूँ यहाँ से, अगर आप देखो तो देखोगे कि वो डेटा लाया बाद में और पहले उसने दूसरा काम कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो काम करने के लिए उसको टाइम लग रहा था पहला वाला जो था, तो पहले दूसरा काम कंप्लीट कर लिया और जैसे ही डेटा आया उसने दिखा दिया इंस्टेंस ऑफ रिस्पॉन्स। अब उसने फ्यूचर नहीं बोला क्योंकि फ्यूचर वाला हमने कोड उसको दे दिया कि भाई ठीक है इसको टाइम लो आराम से, ठीक है। तो ये अब हटा देते हैं, और अगर आपको तो ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप वो वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमें चाहिए, हमें ये रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, हमें इस रिस्पॉन्स का बॉडी चाहिए जो बॉडी में आ रहा है। यानी बॉडी क्या होता है, माल, ठीक है, बॉडी, बॉडी में क्या क्या है, ठीक है, वो वाला हिसाब है। तो ये प्रिंट करेंगे वो बॉडी को, फिर दोबारा हॉट रिस्टार्ट करेंगे और अब चेक करेंगे बॉडी में क्या आ रहा है। तो आप देखोगे तो बॉडी में देखो ये सब आ रहा है, ठीक है, बहुत सारा डेटा आने लग गया और यही डेटा हमें चाहिए था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से एक और क्लास बनाएंगे, जो हमने पोके हब बनाया था आपको याद होगा, तो हम पोके हब को यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो कि हमने वो जनरेट करवाया था, और इसका नाम रख देते हैं पोके हब, ठीक है। अब हम ये बॉडी हमारे पास आ गई है, अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई ये जो पोके हब है इसको असाइन कर दो ये बॉडी, ठीक है। तो पहले हम जेसन डिकोड करेंगे, पहले जेसन डिकोड करने के लिए हमें एक और लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी, उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आता था डार्ट कन्वर्ट लाइब्रेरी, ठीक है, ये हमें जेसन डिकोड एक मेथड दे देगी। तो हम यहाँ बोलेंगे ना जेसन डिकोड, तो बोलेगा कहाँ से जेसन डिकोड करनी है, तो हम उसको ये रिस्पॉन्स है ना जो डॉट बॉडी ये पकड़ा देंगे, बोलेंगे इसको डिकोड कर दो, और जो भी डिकोड करके वैल्यू आएगी डिकोडेड वैल्यू वो हम सेव कर लेंगे, ठीक है, डिकोडेड वैल्यू लेट से। अब क्या है, हम ये डिकोडेड वैल्यू को ये पोके हब को दे देंगे, तो पोके हब को बोलेंगे कि जो पोक हब क्लास है उसका डॉट फ्रॉम जेसन मेथड है वहाँ जेसन पास करनी है, तो ये वाली जेसन हमें मिल गई है क्योंकि, तो ये जेसन यहाँ पास कर देंगे तो ये हमें पोके हब दे देगा, ठीक है। अब जैसे इसने पोके हब दे दिया, ठीक है, अब हमें क्या करना है, पोके हब हमारे पास आ गया, डेटा हमारे पास आ गया, मान लो प्रिंट करना है अगर पोके हब को, तो यहाँ से बोल दो कि भाई यहाँ पोके हब जो है प्रिंट करा दो, देख लेते हैं क्या है। तो एक बार इसको फिर से वो कर देते हैं हॉट रीस्टार्ट। अब आप देखोगे तो हमारे पास कुछ आया, एरर आ गई, ठीक है। एरर क्यों आ गई, क्योंकि अभी बोलेगा कुछ और एरर के लिए कि देखो टाइप डबल इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ टाइप इंट, ठीक है। तो एवरेज जो रिस्पॉन्स है अगर आप देखोगे तो एवरेज रिस्पॉन्स कहाँ गया, ये रहा, ये इंटीजर है लेकिन वैल्यू किस में आ रही है, डबल में आ रही है, ठीक है। तो कभी कभी कहाँ हो रहा हो, क्या हो रहा होगा इसमें, कहीं कहीं स्ट्रिंग में और कभी कहीं इंटीजर में वैल्यू आ रही होगी और कहीं कहीं डबल में। तो इस भाई ने जिससे हमने कन्वर्ट किया था उसने पहले वाला वैल्यू देखा, वो पहला वाला इंटीजर में था तो इसने हमसे इंटीजर करवा दिया, लेकिन अब वैल्यू किस में आ रही है, डबल में। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको स्ट्रिंग ही बना देते हैं, ठीक है, काम खत्म। सेम चीज़ स्पॉन चांस में भी होगा, तो इसको भी स्ट्रिंग बना देते हैं क्योंकि दोनों में ये प्रॉब्लम होगी होगी, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ, तो इसको हम यहाँ पर बोल देंगे डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, ताकि ये टेंशन हमारी ख़त्म हो जाए दोनों की। बढ़िया, अब हम इसको कर देंगे रन और अब देखते हैं हमको एरर आती है कि नहीं। तो दोबारा एक बार हॉट रिस्टार्ट मारते हैं इसका, एक बार अभी और एरर आएगी। अब देखोगे तो मेथड आई है कास्ट वॉज कॉल्ड ऑन नल, ठीक है। अब ये एरर आई किस पे, ये देखते हैं हम, तो ये एरर जो आई है, एक सेकेंड रुक जाओ भाई, ये एरर जो आई है हमारी वो आई है यहाँ देखेंगे अगर हम तो, एक सेकेंड कहाँ गया, यहाँ पर, तो ये देखो मल्टीप्लायर्स वाले में बोल रहा है कि ये वैल्यू नल आ रही है, ठीक है, और उसको हम कास्ट करने की कोशिश करें, तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे जिसका मतलब है कि नल हो तो मत करना ये काम बस। और अब हम हॉट रीस्टार्ट मारते हैं, ठीक है। अब मैं पता नहीं मुझे कि स्क्रीन आपको ढंग से दिख रही है कि नहीं, बट मुझे क्योंकि दोनों चीज़ चलानी है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो ये शायद ब्लॉक हो गया समाव, मैं दोबारा से एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ।
तो इस तरीके से हम ये एरर फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, एरर फिक्स हो गई ऑलमोस्ट। तो अब हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाना चाहिए मोटा मोटा जो भी हमारा हिसाब है। तो थोड़ा सा समय दीजिए। तो बेसिकली हमने क्या करा, हमने बोला कि भाई ये डेटा था जो हमने इस वेबसाइट से मंगाया, एक API थी उससे हमने मंगाया, और इस वेबसाइट पे जाके हमने वो पूरा जो JSON था वो डाल दिया, और उसने हमारे लिए क्लास बना दी डार्ट की। वो डार्ट की क्लास हमने पेस्ट कर दी और उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। अब देखो तो सब सही चल रहा है, इंस्टेंस ऑफ पोकेहब आ गया हमारे पास, सब मामला सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम वापस इधर जाएंगे। ठीक है, अब हमें एक ना ग्रिड दिखाना है, और ग्रिड हमें पता ही आपको क्या था। ठीक है, और उसका काउंट हमें पता था कि हमें क्रॉस एक्सिस काउंट 2 देना है। अब यहाँ पे चिल्ड्रन मांग रहा था, है ना, जिसके अंदर जो जो आइटम होगा वो आप दिखाओगे। तो हम यहाँ पे क्या पास कर देंगे, हम यहाँ पे पोकेहब पास कर देंगे। ठीक है, पोकेहब डॉट पोकेमॉन, पोकेमॉन की लिस्ट चाहिए हमें, और डॉट मैप करेंगे। मैप मतलब कि हम सिलेक्ट करेंगे हर एक आइटम, और जो आइटम हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसका हमें क्या दिखाना है, तो हमें कार्ड दिखाना है जैसे, है ना, तो हम वो कार्ड दिखा देंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे पोकेमॉन पी और पोकेमॉन। ठीक है, कुछ भी जो आप बोलना चाहो बोल दो, ठीक है, या पोक बोल दो। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या दिखाना है आप बताओ, हमें कार्ड दिखाना है, तो हम कार्ड दिखा देंगे। ठीक है, उस कार्ड के अंदर क्या होगा, और बाकी इसके एंड में लगा देंगे हम टू लिस्ट, कि हमें इसकी लिस्ट चाहिए पूरी। ठीक है, अब देखोगे तो ये कार्ड आ गए सारे, है ना, इसके अंदर कोई आइटम नहीं है फिलहाल, और इनको हम पैडिंग भी दे देते हैं कुछ, तो ऐड कर देते हैं पैडिंग। तो 8 की पैडिंग दे दी, थोड़ा सा खुल गए, है ना, अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा सा और खोल देते हैं, 16 की पैडिंग दे देते हैं। ओहो, बहुत छोटे हो गए, ठीक है, 8 ही ठीक था, ठीक लग रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। और अब हम क्या करते हैं, इस कार्ड को जाते हैं, कार्ड में बोलते हैं, देख लेते हैं एक बार अपना डिज़ाइन कैसा था। तो एक बार खोलते हैं यहाँ पे, तो डिज़ाइन में ज़्यादा पैडिंग थी नहीं, तो थोड़ा सा पैडिंग कमी कर देते हैं फिर, तो डिज़ाइन में पैडिंग नहीं है तो ठीक है। तो डिज़ाइन के हिसाब से थोड़ा चल लेते हैं, और हम पैडिंग कर देते हैं लेट्स से 2। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है, या पैडिंग हटा भी सकते हैं, मतलब टोटली आपकी विश है, जैसा आपको करना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस कार्ड के अंदर हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, फिर से एलिवेशन है, एलिवेशन हम दे देते हैं जैसे 5.0, तो देखोगे तो एक शेडो दिखने लगेगा आपको डार्क सा। ठीक है, तो वो आप कस्टमाइज़ कर लो अपने हिसाब से। और उसके बाद हमें क्या है, इसका एक चाइल्ड है, चाइल्ड में हम क्या बोलेंगे कि कॉलम चाहिए हमें। ठीक है, कॉलम क्या करता है, कॉलम हमारा वर्टिकली डिस्प्ले करता है, वो भी एक चिल्ड्रन लेता है। ठीक है, और इस चिल्ड्रन में हम पास कर देंगे जो भी हमें पास करना होगा। ठीक है, चिल्ड्रन मतलब कितने कितने आइटम हो सकते हैं इसके अंदर। तो पहले तो हमको इमेज चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे इमेज एक कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर एक और विजिट है जिसके अंदर एक चाइल्ड होगा। इस चाइल्ड को हम बोलेंगे कि भाई जो चाइल्ड आप जो हो, अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है बाई चांस कि कंटेनर क्या होता है और ये सब क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा बेसिक वीडियोज़ मेरी देखनी होंगी जो कि अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे, तो आप वो देख लीजिए। तो कंटेनर से हमें क्या बोलना होगा, सो चाइल्ड हटा देते हैं, बेसिकली इसमें एक और प्रॉपर्टी होगी डेकोरेशन, वहाँ से हम बोलेंगे एक बॉक्स डेकोरेशन ले लेते हैं, और इसके अंदर एक इमेज की प्रॉपर्टी होगी। यहाँ हम बोलेंगे कि भाई हमें चाहिए एक नेटवर्क इमेज, और इसको ये भी नहीं लेगा, डेकोरेशन इमेज, और डेकोरेशन के अंदर एक और इमेज होगी जिसको हम बोल देंगे भाई एक नेटवर्क इमेज चाहिए, URL क्या होगा, पोक डॉट इमेज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इमेज लाके हमें दे देगा। ठीक है, इसका हाइट और विड्थ दे देते हैं कुछ, तो हाइट लेट्स से हम बोल देते हैं कि भाई 100 हाइट होनी चाहिए उसकी, और विड्थ भी 100 होनी चाहिए लेट्स से। हॉट रिलोड करते हैं और देख सकते हो आपके पास इमेज आ गई। ठीक है, तो ये हमारे इस कॉलम के अंदर एक कंटेनर हमने ले लिया। इसके अलावा हमें एक टेक्स्ट चाहिए कि भाई उसका नाम क्या है। ठीक है, उस पर्टिकुलर जो भी हमारा पोकेमॉन है उसका नाम क्या है, तो हम टेक्स्ट में पास कर देंगे क्या, पोक, ठीक है, डॉट नेम। ठीक है, तो आप देखोगे अब जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा उसका नाम भी आ जाएगा। इसको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट है जहाँ पे हम टेक्स्ट स्टाइल विजेट पास करेंगे। इसमें हमें फॉन्ट साइज़ मिल जाएगा, फॉन्ट साइज़ इसका कुछ 20 कर देते हैं। ठीक है, और एक मिल जाएगा हमें फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट मिल जाएगा, मतलब फॉन्ट वेट को हम कर देंगे फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। तो आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये बोल्ड सा अच्छा लग रहा है, वैसे बुरा नहीं लग रहा है, हालांकि हमारे ओरिजिनल डिज़ाइन में ऐसा नहीं था, बट मुझे ठीक लग रहा है। 20 को 22 कर देते हैं थोड़ा, ठीक है, अच्छा लग रहा है।
अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे स्पेसिंग देने के लिए कॉलम को बोल सकते हैं कि भाई जो अपना तुम्हारा मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस कौन सी है इसकी, जो वर्टिकल एक्सिस है, क्रॉस एक्सिस कौन सी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट को क्या करो भाई, तुम मेन एक्सिस अलाइनमेंट को कर दो स्पेस में इवनली बांट दो थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सही लगेगा जेन्युइन, है ना। तो ये अच्छा लग रहा है। अब हमारे पास मामला बहुत सेट है, बहुत अच्छा दिख रहा है हमारा जो भी ये स्क्रीन है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और हम नीचे नीचे करेंगे तो हमारे और पोकेमोन लोड हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। ये जो हमारा ये वाला बटन है ना, बेसिकली ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये तो चीज़ हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अगर आप मान लो इसको ऐप को ना, अच्छा ठीक है, अब मान लो आप इस ऐप को दोबारा रन करते हो तो देखो क्या होगा। मैं ना इसको दोबारा से हॉट रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे ही हॉट रीस्टार्ट करूँगा तो देखोगे कि एक बार ना बेकार ऐसी स्क्रीन आएगी जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब क्या है, जब डेटा मेरे पास आया है यहाँ पे पोके हब का, तो वो अपडेट नहीं कर पाया क्योंकि विजेट बन गया। तो हमें ना एक चीज़ करनी होती है, जैसे हमारे पास डेटा आ जाता है ना, कोई डेटा हमारा चेंज होता है या कोई भी हमारी चीज़, जैसे पहले जो ग्रिड व्यू थी उसमें पोके हब जो था ये नल था, ठीक है, इसकी वैल्यू आई नहीं थी, मान लो बहुत देर बाद आई है वैल्यू, ठीक है। तो तब तक हमें कुछ तो दिखाना होगा। तो हम जैसे ही हमारे पास डेटा आ जाएगा ना, तो हमें एक मेथड कॉल करना होता है सेट स्टेट। सेट स्टेट मतलब होता है कि जो ट्री बनाई है हमने, ये जो पूरा जो हमने स्ट्रक्चर बनाया इसको दोबारा बना दो, यानी स्क्रीन को रिफ्रेश कर दो एक तरीके से, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे पूरा मेरे पास आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये बोल देंगे यहाँ पे बॉडी के पास कि अगर मान लो जो पोके हब है, ठीक है, वो अगर नल है, ठीक है, इक्वल टू नल, तो हम एक सेंटर में क्या दिखा देते हैं, एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा देते हैं कि हाँ भाई कुछ लोड हो रहा है, ठीक है, ओके। और अगर वो नल नहीं है तो ये ग्रिड व्यू दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं हॉट रीस्टार्ट करूँगा दोबारा, और अब आप देखोगे तो पहले गोला घूमेगा छोटा सा, और उसके बाद देखोगे तो ये हमारे पास डेटा आ जाएगा, ठीक है। और सेट स्टेट का मतलब समझिए गया कि जब भी डेटा में कुछ चेंज करना होगा आपको, तो सेट स्टेट मेथड कॉल करना होगा ताकि आपकी ऐप रिफ्रेश हो सके, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्क्रीन बन जाएगी, ठीक है। तो ये स्क्रीन बन गई। अब क्या है कि ये हमारा मामला सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें एक दूसरी स्क्रीन में लेके जाना है, ठीक है, और एक एनिमेशन दिखानी है। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा एक कंटेनर है, ठीक है, हम इसको रैप कर देंगे एक और विजेट से वो एनिमेशन दिखाने के लिए। तो हम इसको किससे रैप करेंगे, यहाँ पे आएगा देखो रैप विद न्यू विजेट, ऑल्ट प्लस एंटर दबाओगे तो, या आपके में ऑप्शन प्लस एंटर जो भी होगा तो, ठीक है, या राइट क्लिक करोगे तो रैप विद न्यू विजेट, और एक हीरो विजेट चूज़ कर लेंगे, ठीक है। हीरो विजेट क्या होता है, ये आपका जो कौन सी एनिमेशन बोलते हैं इसको, इसको कोई एनिमेशन बोलते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया हूँ। तो एक एनिमेशन होती है ये, जो स्क्रीन की एनिमेशन होती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद आए तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है, मैं भूल गया हूँ बाई चांस। तो इस हीरो के अंदर वो टैग में आपको एक यूनिक इसकी आईडी देनी पड़ती है, जो आप सेकंड स्क्रीन पर भी दोगे तो ये दोनों को एनिमेट कर देगा, ठीक है। तो टैग में हम क्या दे देते हैं, हम वही इमेज इसकी आईडी दे देते हैं, पोके डॉट इमेज लेट्स से। तो एक आईडी मिल गई इसको, ठीक है। अब हुआ कुछ नहीं अभी, ठीक है, लेकिन अब जब नेक्स्ट स्क्रीन पर हम जाएंगे तो होगा जो भी होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक स्क्रीन थी जो हमने बना ली है, काफ़ी मुझे पता नहीं कितनी इफेक्टिव है, लेकिन ठीक ठाक स्क्रीन लग रही है जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मामला सेट है, अब हम जाएंगे प्रोजेक्ट में और एक और स्क्रीन बनाएंगे। तो इस लिप फोल्डर के अंदर आपने एक नई क्लास बनाइए, नई डार्ट फाइल बनाइए बेसिकली, और इसको बोल देते हैं लेट्स से पोकी डिटेल, ओके, पोकी डिटेल डॉट डार्ट। तो यहाँ पे इस क्लास को पहले तो हम वही करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे मटेरियल डॉट डार्ट, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद हम इसको स्टेटलेस बनाएंगे, क्योंकि यहाँ ना डेटा कुछ चेंज नहीं होना हमारा, ठीक है। क्यों नहीं होना, क्योंकि देखो डेटा ना हम उधर से पास कर देंगे इधर, ठीक है, ये जो हमारी क्लास थी मेन डॉट डार्ट, यहीं से डेटा पास कर देंगे जिस पोकेमोन की इन्फॉर्मेशन दिखानी है। और जब इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास ऑलरेडी है इस पोक वाले वेरिएबल में, जो भी ऑब्जेक्ट है क्लास का, इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, उसकी इमेज क्या है, नाम क्या है, और ये सीधा यहाँ पास करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि भाई हमें एक पोकेमोन दे दो, ठीक है, पोकेमोन, ये पोकेमोन चाहिए मुझे, और ये पोकेमोन मुझे कौन देगा, वो हमें मेन क्लास देगा, और हम इसको पास किसके थ्रू करेंगे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू, दिस डॉट पोकेमोन बोल देंगे, तो ये पोकेमोन हमें मिल जाएगा इस क्लास में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी।
अब मेन डॉट डार्ट में जाते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जब भी ये बटन, ये बंदा जो कार्ड क्लिक करेगा, ठीक है, तो हमें उसको सेकंड स्क्रीन पे भेजना है। तो हम क्या करेंगे, इसको रैप करेंगे एक नए विजेट के साथ, जिस विजेट को हम बोल सकते हैं इंक वेल, ठीक है। अगर आपको उसके अंदर मटेरियल इफेक्ट चाहिए तो, नहीं तो आप इसको रैप कर सकते हो जेस्चर डिटेक्टर के साथ। दोनों दो विजेट हैं, दोनों का अपना अपना यूज़ है, दोनों में आपको ऑन टैप प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है। तो इंक वेल से कर देते हैं, तो इसके अंदर हमें मिलेगा ऑन टैप, कि इसको टैप करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको जब टैप करेंगे हम, तो इसके अंदर एक मेथड हम बना देते हैं, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे नेविगेटर क्लास, ठीक है। हम बोलेंगे नेविगेटर, कहाँ पर हो, इधर आओ एक मिनट, नेविगेटर क्लास, नेविगेटर को चाहिए डॉट, एक उसके पास होती है चीज़ जिसको हम बोलते हैं पुश, ठीक है, जिसके अंदर वो कंटेक्स्ट लेता है और राउट लेता है, ठीक है। कंटेक्स्ट हमारे को मिल जाएगा इसी इस बिल्ड कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है लोकेशन क्या आपके विजिट की, उस विजिट ट्री में मान लो, ठीक है। और राउट देना है हमें, तो हम यहाँ पे एक दे देंगे मटेरियल पेज राउट, ठीक है। इसकी जगह आप दूसरा राउट देना चाहे तो दे सकते हो, ठीक है। ये राउट के अंदर एक बिल्डर है जो कि क्या लेगा, एक कॉन्टेक्स्ट लेगा, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट को आपको स्पेसिफाई करना होगा कि भाई इसको कहाँ भेजना कहाँ है। तो आप बोलोगे कि मुझे यार इसको पॉकेट डिटेल वाले पेज पे भेजना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मामला सेट हो गया, अब ये पॉकेट डिटेल को इंपोर्ट करना होगा। जैसे इंपोर्ट किया तो पॉकेट डिटेल में एक प्रॉपर्टी है पोकेमोन, तो यहाँ पे पोकेमोन अपना पास कर दो। तो यहाँ पोक लिख दोगे आप, जो भी आपका पोक है ना, पोक ही पोकेमोन है आपका, तो ये पास कर दोगे, ठीक है। अब ये हो गया, मतलब इसमें क्या किया, ऑन टैप पे क्या किया हमने, नेविगेटर को बोला पुश करो, जैसे स्टैक होता है ना, पुश और पॉप, वो वाला कॉन्सेप्ट है। पुश मतलब ऊपर डालो, पॉप मतलब हटा दो ऊपर से, ठीक है, वो हिसाब है। जैसे सीडी रख दोगे अगर आप एक के ऊपर एक, तो पुश का मतलब होता है एक और सीडी ऊपर ऐड कर दी, सीडी मतलब वो कॉम्पैक्ट डिस्क वाली सीडी, ओके। और अगर ऊपर से एक डिस्क हटा दी तो मतलब पॉप हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे दिया इसको, एक मटेरियल पेज राउट दिया, राउट मतलब क्या राउटिंग होगा, कौन सी गली से जाएगा वो, ठीक है। तो ये गली है, उस गली में बोल दिया हमने कौन सी गली में जाना है, पोके डिटेल वाली गली में जाना है, ठीक। पोके डिटेल मतलब घर है, ठीक है, ये गली है, कौन सी गली है, मटेरियल पेज राउट, और घर कौन सा है, पोके डिटेल, और घर वालों को क्या चाहिए, एक पोकेमोन चाहिए, वो पोकेमोन आपने पास कर दिया, बस सिंपल। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा अगर, तो देखोगे कि ये तो क्रैश हो गया, पता नहीं क्यों हुआ, तो वो देख लेते हैं क्यों हो गया। अच्छा, दोबारा से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, क्रैश नहीं हुआ, कुछ दब गया। अब देखोगे खाली आ गई स्क्रीन, ठीक है, क्योंकि कुछ है नहीं पोकी डिटेल में। तो यहाँ पे एक स्केफोल्ड लेंगे, फिर से एक स्ट्रक्चर देना है इसको, ठीक है। ऐप बार देना है तो दे दो, तो ऐप बार दे देते हैं इसको फ़िलहाल के लिए, ताकि कुछ दिखने लग जाए एटलीस्ट हमारे को, ठीक है। और उसके टेक्स्ट में ऐप बार पे हम ना उस पोकेमोन का नाम दिखा देते हैं, तो पोकेमोन का तो हमारे पास है ही, और नाम दे देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ भाई ये चीज़ ठीक चल रही है। तो देखोगे अगर अब लॉस्ट कनेक्शन टू डिवाइस हमारे पास आ गया, यानी हमें ऐप दोबारा चलानी पड़ेगी, दोबारा चला लेते हैं एक बार। तो मेन फंडा क्या हुआ कि हमने बोला यहाँ पे, देखोगे तो ये देखो कोड, हो सकता है कि आपको ना समझ आ रहा हो, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो थोड़ा बहुत अगर आपको आता होगा तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला यहाँ पे जब डेटा हमारे पास अब आ गया, हमने इसको डिस्प्ले करा दिया इस ग्रिड व्यू में, उसके बाद हमने बोला कि भाई मैप कर दो इसको, और इस इंक वेल को हमने यूज़ किया ताकि हमें हमारे को ये ऑन टैप मिल जाए, यानी हम कुछ दबाएँ तो हमारे को एक फीडबैक मिल जाए उसका, और हम कुछ कर सकें उसको दबाने पे। उसके बाद हमने नेविगेटर क्लास करके और उसको पुश कर दिया पोके डिटेल पेज पे। पोके डिटेल में कुछ नहीं है, खाली एक स्केफोल्ड और ऐप बार है जिसके अंदर हमने जो पोकेमोन भेजा उसका नाम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको दबाता हूँ अगर, तो देखोगे कि बल्बासोर ऊपर आ गया, ठीक है। ईवीसोर दबाता हूँ तो देखोगे ऊपर ईवीसोर आ गया, और एक बैक बटन भी आ रहा है ऑटोमेटिकली, ये फ्लटर आपको देता है, ठीक है। आप फ्लटर को पता है कि आप स्टैक में एक और आपने आइटम ऐड किया है तो आपको बैक भी जाना होगा। तो आप देखोगे चारमेलियन पे करूँगा तो चारमेलियन मिल गया, ठीक है, चेरीजार्ड पे करूँगा चेरीजार्ड मिल गया, तो यानी पोकेमोन हवा में मिल रहे हैं, ठीक है। ये एक मोटा मोटा जो हुआ है हिसाब, ठीक। अब इस स्केफोल्ड एक बैकग्राउंड भी लेता है, तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको एक, तो वो भी हम टील दे देते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा जाऊँगा तो अब ये सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये एलिवेशन नहीं चाहिए हमें, एलिवेशन अच्छी नहीं लग रही है, तो हम इसको बोलेंगे भाई एलिवेशन को ना जीरो कर दो यार, हमें शेडो नहीं चाहिए, हमारी स्क्रीन बहुत सिंपल लगनी चाहिए, सिंपल लग रही है बहुत अच्छी, तो ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब यही हमें चाहिए था, मतलब ऐसा ही कुछ अजीब हम करना चाह रहे थे। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ अगर दोबारा से स्क्रीन एक बार और, देखो बल्बासोर पे हम क्लिक करूँगा तो ये ऐसा ही कुछ है, ठीक है। कलर अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, कलर आपको जो करना हो आप कर लो, ठीक है। ये पीछे क्यान कलर है उधर,
इधर हमारे पास जो कलर है वो है ये टील कलर, ठीक है। तो कलर अगर आप बोलो तो मैं भी चेंज कर देता हूँ। तो लेट्स से कि क्यान करना है अगर, तो क्यान कर देता हूँ। अब आप देखोगे, एक सेकंड को, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, मामला सेट। तो ये कलर और ये कलर ऑलमोस्ट सेम है अब, ठीक है, अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आईफोन में चला रहा हूँ इसलिए टाइटल बीच में आ रहा है, एंड्रॉयड में ये टाइटल आता है लेफ्ट में, ठीक है। तो अगर आपको ये बीच में ही चाहिए या लेफ्ट में चाहिए तो यहाँ सेंटर टाइटल है। अगर इसको ट्रू कर दोगे तो बीच में आएगा, फॉल्स कर दोगे तो, जैसे फॉल्स कर देता हूँ तो देखना ये लेफ्ट में आने लगेगा अब, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, हालांकि ये मुझे बीच में ज़्यादा सही लग रहा है। तो सेंटर टाइटल को ना ट्रू कर देते हैं ताकि एंड्रॉयड में भी बीच में ही आए, अच्छा लगेगा बीच में, ठीक है। और अब क्या करते हैं, क्योंकि हमने कलर कैन चूज़ कर लिया है तो हम यहाँ पे भी भाई बोल देते हैं कि भाई हमें ये कलर नहीं चाहिए अब, ठीक है, हमें प्राइमरी स्वैच जो है हमें कैन दे दो, ठीक है। बैक जाते हैं, अब यहाँ पे अभी भी वही कलर चला रहा है ये, इसको बोल देते हैं भाई बैकग्राउंड कलर क्या रखो तुम अपना, कैन रख लो, ठीक है। अब तो दिखेगा, दिख रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम कर लेंगे, मामला सेट हो जाएगा। अब मैं इसको एक बार हॉट रीस्टार्ट मार देता हूँ ताकि आपको दिख जाए सारी चेंजेस। अच्छा, कलर हमारा ये ब्लैक हो गया है अनफॉर्चुनेटली, बट ठीक है, मतलब इस तरीके से दिखेगा, कोई इशू नहीं है। तो ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, काफ़ी सही दिख रहा है। इसको ओके कर रहे हैं तो इधर आ रहे हैं, वो भी सही दिख रहा है। तो इस तरीके का यहाँ से प्राइमरी स्वैच हटा देते हैं, या तो हम क्या करते हैं इसको हटा देते हैं ताकि वो जो ब्लैक कर रहा है वो ना करे। हाँ, वन सेकेंड, अब हम इसको हॉट रिस्टार्ट कर देते हैं, या हम उसमें वाइट कलर भी डाल सकते थे, सेकेंडरी कलर, जैसा आपकी इच्छा हो वैसे आप कर लो, टोटली आपकी चॉइस है। अभी फ्लोटिंग एक्शन बटन को अगर अलग से कलर देना है तो भी हम दे सकते हैं, देखो बैकग्राउंड कलर, तो इसको भी कैन दे देते हैं, ठीक है। तो टोटली अपनी चॉइस पे चल रहा है पूरा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। अब आते हैं पोके डिटेल क्लास में, ठीक है। अब इसमें भी एक बॉडी होगा, ऑब्वियसली सब कुछ है तो इसमें भी बॉडी होगा, ठीक है। इस बॉडी में हमें क्या करना होगा, इस बॉडी में हम एक यूज़ करेंगे स्टैक, ठीक है, या हम एक अलग से बॉडी विजिट बोल देते हैं कि एक बॉडी विजिट दे दो हमें, ठीक है। ये बॉडी विजिट अभी तक हमारे पास है नहीं तो हम इसको बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस बिल्ड मेथड पे। तो बिल्ड में हम क्या बोल देंगे कि भैया हमें चाहिए एक बॉडी विजिट, ओके, सॉरी यहाँ नहीं मिलेगा मुझे, बॉडी विजिट बनाना होगा, तो बॉडी विजिट बना लेता हूँ मैं। तो मैंने बोला कि भाई एक बॉडी विजिट चाहिए, तो बॉडी विजिट दे दो, ठीक है। इस बॉडी विजिट के अंदर क्या होगा, बॉडी विजिट के अंदर होगा एक स्टैक, कि एक के ऊपर एक आइटम हमें डिस्प्ले करना है तो हमें स्टैक चाहिए, ठीक है। अब ये स्टैक क्या करता है, ये भी कुछ चिल्ड्रन लेता है, ठीक है। तो पहले हमें दिखाना है कार्ड, अगर आप देखोगे वो स्क्रीन, अगर मैं आपको दोबारा दिखा पाया तो, एक सेकेंड रुकना, यहाँ देखो एक कार्ड है बीच में, ठीक है, जिसकी कुछ हाइट वाइट है, टॉप से कुछ मार्जिन है, उसके ऊपर ये बबला सा और दिख रहा है, ठीक है, और उसके हाइट वाइट जो भी है वो तो है ही, तो हमें यही चीज़ चाहिए। तो हम इस चिल्ड्रन को क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि भाई तू एक काम कर, हमें एक पोजीशन विजिट दे दे, पोजीशन मतलब जिसकी हम पोजीशनिंग कर सकूं, ठीक है, ओके, पोजीशनिंग करनी है मुझे, फाइन, पर उसके अंदर मुझे क्या है? तो पोजीशन बाद में इसको रैप कर लेंगे, फिलहाल हम क्या करते हैं कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। उस कंटेनर को हम क्या बोलते हैं कि भाई हमें एक कार्ड चाहिए एक, ठीक है, तो हम उसको बोल देंगे भाई एक कार्ड दे दो, ठीक है। कार्ड के अंदर हमें साइड में एक कॉलम चाहिए, उस कॉलम के अंदर हमें उस पोकेमोन का नाम चाहिए, तो हम बोल देंगे टेक्स्ट में कि भाई नाम चाहिए इन बंदे को, तो पोकेमोन जो भी हमारा है उसका हम इसको नाम दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, ये क्या हो गया, अच्छा सॉरी, तो इसको पहले हम हटा देते हैं यहाँ से, इसमें हमें पहले चिल्ड्रन चाहिए, चिल्ड्रन में देंगे ना, तो पोकेमोन डॉट नाम चाहिए। अब हम जाते हैं इधर तो देखोगे कार्ड आ गया जिसके अंदर पोकेमोन का नाम आ रहा है, बहुत बड़ा सा कार्ड आ रहा है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको इग्नोर करते हैं, जितना भी बड़ा आ रहा है जैसे भी आ रहा है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं मेन एक्सेस साइज़ है जो, उसको हम मिनिमम रख लेते हैं, ठीक है, तो छोटा कार्ड हो जाएगा। पोकेमोन का नाम मिल गया हमें, ठीक है, इसके नीचे हमें उसकी हाइट चाहिए, ठीक है, तो हम बोल देंगे भाई टेक्स्ट एक और लाओ और हमें इस पोकेमोन की हाइट दे दो, तो हम बोलेंगे हाइट क्या होनी चाहिए, हाइट एक लिखना भी हमें, तो हाइट स्पेस, और हम ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे और यहाँ बोल देंगे पोकेमोन डॉट हाइट, तो ये मुझे हाइट भी दे देगा, ठीक है। हाइट देखो 0.71 मीटर दे दिया इसने। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, उसका वेट चाहिए, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे एज इट इज़,
और नीचे इसको वेट लिख देंगे और यहाँ से इसको वेट कर देंगे, ठीक है। तो ये मुझे वेट दे देगा। उसके अलावा हमें चाहिए उसके टाइप्स क्या हैं, तो हम नीचे एक और टेक्स्ट बोलेंगे और उसको बोलेंगे भाई तुम्हारे टाइप्स क्या हैं, तो हम बोलेंगे लो भाई टाइप्स, अपने टाइप्स बता दो। उसके बाद अगर आप ये स्क्रीन देखोगे तो देखो टाइप्स में क्या है, टाइप्स में ग्रास और पॉइजन है। अब हमें ना ऐसे चिप दिखाने हैं, ठीक है, फिल्टर चिप, तो हम क्या कर सकते हैं एक और रो दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वीकनेस है, उसके बाद वीकनेस के भी फिल्टर चिप है, तो वो रो दिखा सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि भाई एक काम करो एक रो दिखा दो यहाँ, ठीक है। रो चिल्ड्रन लेगा ऑब्वियसली, तो इन चिल्ड्रन को क्या पास कर दो आप, पोकेमोन, ठीक है, डॉट टाइप्स, ठीक है। टाइप मिल गए, वो लिस्ट लेता है एक, तो उसको मैप कर देंगे, फिर वो एक वैल्यू फेंकेगा कि भाई ये टाइप है उसका टी लेट्स से, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि भाई मुझे ना एक फिल्टर चिप दे दो आप, फिल्टर चिप, ठीक है। इसके अंदर ये लेबल चाहिए होता है, तो लेबल में आप पास कर दोगे एक टेक्स्ट जो कि हो गया टी, ऑन सिलेक्टेड नल है, इसको ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है, और एंड में लगा देंगे हम डॉट टू लिस्ट, ठीक है। ऑन सिलेक्टेड में एक बुलियन लेगा ये वैल्यू, तो बुलियन दे दिया। अब देखोगे तो ये देखो ग्रास और पॉइजन आ गए हमारे पास, ठीक है। इसका कलर देना है अगर आपको कुछ, तो आप कलर दे सकते हो, तो बैकग्राउंड कलर, तो हमने कलर दे दिया लेट्स से एम्बर, ठीक है। तो बस ये कलर आ गया, बहुत सही लग रहा है, ठीक है। और इसको अब अगर आपको पैडिंग देनी है तो आप ये बोल सकते हो, यहाँ से मेन एक्सिस अलाइनमेंट देना है तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट दे दो कि भाई स्पेस इवनली कर दो थोड़ा सा, तो सही लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमें एक और चीज़ चाहिए, वीकनेस, तो हम वीकनेस यहाँ पे बोल देते हैं, वीकनेस दे दो भाई, तो वीकनेस, ठीक है। उसके अलावा हमें सेम रो चाहिए जिसमें हम सेम रो में क्या दिखा देंगे, अब यहाँ पे टाइप की जगह हम वीकनेस दिखा देंगे, ठीक है, वो भी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, और रेड कर देते हैं उसका कलर, बस इतना सा फ़र्क होगा, वीकनेस आ गया, ठीक है। टेक्स्ट का जो कलर है उसको हम वाइट कर देते हैं ताकि वो दिखने लगे सही से, कलर कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। तो ये सही लग रहा है अब, ठीक है, नाम आ गया उसका, वो आ गया, जो भी है नाम को अगर थोड़ा स्टाइलिंग करना है तो हम नाम को भी कर देते हैं थोड़ा सा, कि हम बोल देते हैं भाई फॉन्ट जो है उसको थोड़ा सा 20 कर दो, कुछ बड़ा सा दिखने लगे बलवास, और ठीक है, और जो वेट है वो भी थोड़ा बोल्ड सा कर दो ताकि थोड़ा सा सही दिखे, ठीक है। तो ये जो भी हमें वो करना है वो हम कर लेंगे। अब हम बोलेंगे इस कार्ड को कि भाई जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है उसको स्पेस इवनली कर दो, स्पेस अराउंड कर दो, जैसे भी करना वैसे कर दो, स्पेस इवनली करवा लेते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो अभी आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने मेन एक्सिस साइज़ है ना वो कंप्रेस कर रखा है, इसको हटा दूंगा तो डिफरेंस दिखने लगेगा। तो ये कार्ड हो गया, इतना बड़ा कार्ड हमें चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अब, तो हटा दिया, कार्ड बच गया, सेम चीज़ है। अच्छा, कार्ड में एक और प्रॉपर्टी होती है शेप, ठीक है। तो इसको अगर शेप देनी है तो हम बोल देंगे कि भाई राउंडेड रेक्टेंगल और बॉर्डर दे दो, ठीक है, और इस बॉर्डर का रेडियस दे दो, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, लेट्स से 15 इसको सर्कुलर वो दे दिया, तो देखोगे तो सर्कल्स उधर साइड से ना थोड़ा सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। अब इस कार्ड को ना हम रैप करेंगे एक और विजिट से जिसका नाम है पोजिशनड विजिट, ठीक है, रैप विद अ न्यू विजिट पोजिशनड विजिट, ठीक है, पोजिशन विजिट से रैप कर दिया। अब पोजिशन विजिट ना क्या लेता है, टॉप हाइट विड्थ ये सब लेता है, ठीक है। अब हमें ना अपनी ऐप जो है वो सबके लिए अच्छी बनानी है हर स्क्रीन के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे इस बॉडी विजिट को ना कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे ताकि हमें स्क्रीन का साइज़ मिल सके, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ले भी लेंगे, तो बोलेंगे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट दे दो भाई, कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है हमें स्क्रीन साइज़ लेने के लिए, ठीक है। तो अब पोजिशन में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है हाइट, ठीक है, हम यूज़ करेंगे मीडिया क्वेरी क्लास, उसको पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट ऑफ, और वो हमें एक साइज़ दे देगा, और साइज़ से हम हाइट निकाल लेंगे। अब उस हाइट का आपको कितना चाहिए, लेट्स से हमें हाइट का आधे आधे के आसपास कुछ चाहिए, तो उतना हमें मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये अपनी मतलब श्रद्धा है, ठीक है, कितना आपको चाहिए उसके हिसाब से ले लो जो भी आपको हाइट चाहिए, ठीक है, हाइट बाय 3 कर दो, 2 कर दोगे तो ऐसा कुछ मिल जाएगा, ठीक है, जो भी हाइट चाहिए। तो हम 1.8 ऐसे ऐसे कर करके खूब सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, ठीक है, जितना भी हाइट आपको चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से जो विड्थ है, विड्थ आपको मिल जाएगा, तो हम विड्थ पूरा ले लेते हैं और इसको बोलते हैं कि भाई जो विड्थ है उसको आप विड्थ जो भी है वो पूरा विड्थ दे दो, तो विड्थ मिल गया पूरा।
इसमें से थोड़ा सा ही लगा लो, -20 कर दो, उधर से -20 हो गया, लेफ्ट में से थोड़ा सा 10 दे दो मुझे ताकि बराबर सा हो जाए, और ये बराबर हो गया, ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब मैं टॉप से भी थोड़ा सा चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये हाइट वाली प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे भी डाल देता हूँ। टॉप से मैं क्या करूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेट्स से 0.5 बोल देता हूँ, या तो उसका आधा दे दो टॉप, और ये बहुत ज़्यादा हो गया, 0.2 बोल देता हूँ, ये थोड़ा सही लग रहा है, 0.1 ये और सही लग रहा है, यहाँ पर थोड़ी जगह सही लग रही है इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से हम पोजिशन विजिट यूज़ कर सकते हैं स्टैक के साथ, ठीक है। ये पहला पोजीशन विजेट इतना लंबा है, ठीक है, इसके नीचे मुझे अब क्या चाहिए, उसका इमेज अब इसके ऊपर शो करना है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा एक और विजेट जिसका नाम है अलाइन विजेट, ठीक है। अलाइनमेंट जो है उसकी बोल दूंगा कि अलाइनमेंट कहाँ रखो, टॉप पे रखो, तो अलाइनमेंट, एक सेकेंड, अलाइनमेंट डॉप टॉप सेंटर, ठीक है, टॉप सेंटर में अलाइनमेंट आ गई। ये एक चाइल्ड लेगा, इस चाइल्ड को हम देंगे हीरो, ठीक है, और यहाँ पे हम टैग वही पास करेंगे जो हमने वहाँ पास किया था, ठीक है, याद है, इमेज पास किया था। और चाइल्ड में हम इसका क्या करेंगे, हम चाइल्ड में देंगे इसको एक और कंटेनर, क्योंकि हमें इमेज दिखानी है, ठीक है, कंटेनर दे देते हैं, ठीक है। इसका हाइट और विड्थ देना होगा, हाइट दे देते हैं 200, विड्थ दे देते हैं 200, जैसी आपकी मर्ज़ी, वो आपकी पर्सनल अपनी चॉइस है। बॉक्स डेकोरेशन देते हैं इसको, इसके अंदर ये इमेज मांगेगा, इमेज को डेकोरेशन इमेज देंगे, उसके अंदर एक और इमेज मांगेगा तो उसको नेटवर्क इमेज देंगे, क्योंकि नेटवर्क से इमेज ले रहे हैं हम, तो नेटवर्क इमेज। और यूआरएल में हम पास कर देंगे क्या, पोकेमोन जो है हमारा उसकी इमेज, देखोगे तो एक इमेज आ गई, छुटकू सी आई है। अब हम क्या कर सकते हैं, डेकोरेशन इमेज ना हमें एक और प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, वो होता है फिट, तो हम बोलेंगे जो एस्पेक्ट फिट है, बॉक्स फिट, उस बॉक्स फिट को कवर कर दो, ठीक है, जितना भी हमें आपको करना है। तो इतनी बड़ी सी इमेज आ गई और ये सही लग रही है, बिल्कुल मस्त सी लग रही है, ठीक है। अब हमारा जो बल्बास और वो सब है बवाल, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है इस केस में। स्पेस इवेंटली की जगह इसको हम स्पेस बिटवीन कर देते हैं, देखते हैं कैसा आता है, और ज़्यादा फैल गया, ठीक है। तो स्पेस इवेंटली अच्छा है, बट ऊपर से हमें थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए, ऊपर से थोड़ा सा और हमें फ्लेक्सीबिलिटी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए जस्ट एक साइज्ड बॉक्स लगा देते हैं फिलहाल, ठीक है, जो ऊपर से हाइट ले ले कुछ 100 की, ठीक है, ताकि मतलब अजीब ना दिखे फिलहाल, बट इसका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अच्छा तरीका हो सकता है इसको करने का, तो 100 से 50 कर देते हैं फिलहाल, ठीक लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये ऐप बना सकते हैं। आप देखोगे स्क्रीन, तो ये स्क्रीन और वो स्क्रीन में ज़्यादा फ़र्क दिखेगा नहीं आपको, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, या हाइट विड्थ जो भी है वो थोड़ा दिख रहा है। अब बैक जाते हैं, तो एनिमेशन आपने देखी होगी, एक आई है इधर, ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, पर ये हीरो ने हमें एक एनिमेशन दे दिया, ठीक है, ये देखो, और ये हमारी ऐप जो है वो बन गई है, पोकेमोन ऐप, ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है, सब अच्छा लग रहा है। यहाँ फिल्टर चिप लगे हुए हैं जो मैप किए हमने, काफ़ी सही दिख रहा है, करेक्ट है, ठीक है। ये सोर्स कोड जो है ये आपको मिल जाएगा गिटहब पे, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमने किया, तो एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं, वापस से आके मेन डॉट डार्ट में थे हम, ठीक है, हमने यहाँ वॉइड मेन बनाया जो कि रास्ता था ऐप का, रन ऐप मेथड है जिसके अंदर हमें एक मटेरियल ऐप या कोई विजेट ऐप पास करनी होती है, टाइटल दे दिया, बैनर हमने फॉल्स कर दिया, होम पेज दे दिया, होम पेज एक स्टेटफुल विजेट है अब, क्योंकि हमें उसकी ये लिस्ट हमें चेंज करनी है। अब इसके अंदर हमने क्या करा, एक इनिट स्टेट मेथड लिया जो कि सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है यूआई दिखने से पहले, वहाँ हमने बोला कि हमें पहले डेटा दे दो, उस डेटा में हमने HTTP लाइब्रेरी से URL पास किया जो हमें डेटा देता है, फिर हमने जो वैल्यू है उसको डिकोड कर ली और हमने इस पोके हब क्लास को दे दिया। पोके हब क्लास हमने कहाँ से बनाई थी, ये पोकेमोन जो है ये हमने वहाँ से जो जेसन आ रहा था उसको हमने एक वेबसाइट पर डाला था और वो हमने यहाँ से जनरेट कर ली थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने बिल्ड मेथड में गए, पोके हब बनाया, हमने चेक कर लिया कि पोके हब नल तो नहीं है, नल है तो भाई एक बार दिखाते रहो जब तक नल है, और अदरवाइज उसको एक ग्रिड में दिखाना है हमें, तो क्रॉस एक्सिस काउंट दो, मैपिंग करो, और एक कार्ड दिखा दो जिसके अंदर हम उसकी इमेज दिखा दें और उसका टेक्स्ट दिखा दें। फिर उसको रैप कर दिया इंकवेल से, क्योंकि हमें उसका ऑन टैप चाहिए, यानी उसको दबाएंगे तो क्या होगा। उसके बाद उसमें एक नेविगेटर क्लास से हमने उसका एक रास्ता पकड़ा और उसको पॉक डिटेल क्लास पे भेज दिया। पॉक डिटेल जो हमने बनाया था वो एक स्टेटलेस विजेट है, क्योंकि इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, हमें सारी इन्फॉर्मेशन ये पहले वाली क्लास देती है। तो यहाँ पर हमने एक स्टैक लिया था, ऐप बार लिया था पहले, उसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया हल्का फुल्का,
और इसके अंदर स्टैक ले लिया। स्टैक का काम क्या है, एक के ऊपर एक चीज दिखाना। तो ये जैसे कार्ड है, कार्ड के ऊपर पहले वो ये दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन, फिर उसके ऊपर एक और इमेज दिखा रहा है। तो इसलिए उसके अंदर हमने एक कार्ड लिया, उसके अंदर हमने कार्ड को बोला कि भाई थोड़ा सा इसके शेप को थोड़ा सा राउंड कर लो, और अंदर कॉलम में हमें हाइट वाइट वेट वगैरह ये सब दिखा दो, वीकनेस, और उसके बाद मैप कर दो रो से वीकनेस को। बहुत सारी वीकनेस है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, तो उसमें फिल्टर चिप लगा दो, ठीक है। और उसके नीचे एक अलाइन विजिट लिया, जिसके अंदर हमने बोल दिया कि भाई हीरो एनिमेशन जो उधर लगाई है वो यहाँ पे भी दिखानी है, ठीक है। तो हमने वो यहाँ पे दिखा दी, पोकेमॉन डॉट इमेज करके उसको आईडी दे दी या टैग दे दिया, और इस तरीके से हमने वो नेटवर्क इमेज शो कर दी। तो हमने ये एनिमेशन अचीव कर लिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेसिक अगर आपको आता है तो ये समझ आ गया होगा, अगर नहीं आता है तो आपको थोड़ा बेसिक समझना होगा। तो उसके लिए और वीडियो भी बनेंगी, अभी हिंदी में और वीडियो बनाई जाएगी, वो इसके फीडबैक पे डिपेंड करता है, कैसा फीडबैक मुझे मिलता है, किस तरीके का आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुआ नहीं हुआ वो मुझे बताइएगा। और ये सारा सोर्स कोड आपको मिल जाएगा गिटहब पे। लेट्स फ्लटर ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, नहीं किया है तो। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करने के लिए कोडपुर अंडरस्कोर का अंडरस्कोर सुपर हीरो पे जाओगे, वो भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ट्विटर पे @IMDPK, IM4 मदर वाला एम और THEPK, ठीक है। तो उस तरीके से आप जा सकते हो, फॉलो करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को नहीं किया है तो, और वो जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना। इसके अलावा लाइक कर देना वीडियो, और कुछ कमेंट कर देना, और बस, और याद नहीं आ रही है ज़्यादा चीज़ें, बट अच्छा लगा होगा उम्मीद करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बनाएंगे, कुछ और देखेंगे। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया और काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया, तो हो सकता है कुछ समझ ना आया हो, ऐसा बहुत चीज़ें हो सकती हैं, पर धीरे धीरे आने लगेगा। एक बार ट्राई करके देखो, बना के देखो, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, और वीडियोस देखोगे तो समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगली वीडियो में।